शायद मैं हूं विनोद सोनी, आप देख रहे हैं ग्रामीण का हक। हम इस समय खड़े हुए करैया में, जहां पर प्रस्तावित है 16 दिसंबर का सिंधिया जी के आगमन का प्रोग्राम। आइए इस बारे में जानते हैं क्या क्या प्रोग्राम है और किस तरीके की तैयारी है। इससे निरीक्षण करने के लिए मोहन सिंह राठौर जी यहां आए हुए हैं। अब जो 2:45 और 2:30 बजे तो महाराज यहाँ से 16 दिसंबर का जो प्रस्तावित प्रोग्राम है सिंधिया जी के आगमन का, क्या प्रोग्राम है, उसकी क्या रूपरेखा है और आज ये स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। जैसे क्या है, यहाँ इस भितरवार विधानसभा क्षेत्र की दो सबसे बड़ी समस्याएं थी। एक थी चिनोर से करैया बाया होते हुए भितरवार तक की रोड, ये करीबन 35 किलोमीटर की रोड है और इस 35 किलोमीटर में करीबन 78 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड आवश्यकता थी बनने की। और पिछले 15-20-25 सालों में करैया ने जितना दर्द भोगा है, इस क्षेत्र के जनता ने जितनी तकलीफ भोगी है, वो अपने आप में इनके चेहरों से देखेगी आपको। वो तो हम भी बयां कर रहे हैं, हम भी मोटरसाइकिल से आते हैं। दूसरी थी देवरी कांचे से रानी घाटी से भितरवा वो मोना तक की रोड। तो अभी रानी घाटी पे जो उस पर कार्यक्रम था लकेश्वरी माता मंदिर पे, उस कार्यक्रम में उस रोड की शुरुआत हो गई और जिसका 40% और 50% काम बन के कम्प्लीट हो गया। इसका उस वक्त बीच में कोरोना की भी कुछ दिक्कत रही, फिर तमाम सारे हमारे राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम रहे, तो इसलिए इसका थोड़ा सा कार्यक्रम हम लेट कर पाए। अब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी संभवतः 16 तारीख को इस रोड का एक जो स्वीकृत किया है, उसके लिए हम सारे लोग मिलकर उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो वो एक धन्यवाद सभा के रूप में हम इस कार्यक्रम को करेंगे और इस पूरे क्षेत्र के करीबन 70-75 गांव हैं जो इससे कनेक्टेड हैं, जिनका लाभ मिलेगा। बिल्कुल किठोंदा से लेके भितरवार से लेके जो भी ट्रैफिक जाने वाला है बिल्कुल चिनोर तक, उसके लिए बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र की होगी, जो श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी ने 78 करोड़ रुपये की स्वीकृति के बाद दी है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, हमारे सांसद हैं विवेक नारायण सेजवलकर जी, हमारे प्रभारी मंत्री हैं, सबका तुलसी सिलावट जी, सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उस योगदान के बाद अब ये भितरवार विधानसभा के करैया की समस्या दूर होने का। इसके साथ ही हम आपको गुजरात चुनाव की बधाई देना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, गुजरात चुनाव माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो राष्ट्र और पूरी दुनिया में जो नाम है और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, बल्कि गुजरात का जो मॉडल था वो पूरे हिंदुस्तान में वो लागू कर रहे हैं। तो गुजरात तो उनका है, उनका घर है, उनकी एक आवाज़ पर गुजरात में वोट मिलता है। और इस बार जो रिजल्ट आए हैं वो अपने आप में मोदी जी के समर्थन में गुजरात कितना खड़ा है उसका एक अपने आप में उदाहरण है, जो शायद भविष्य में बहुत वर्षों तक हिंदुस्तान के किसी प्रदेश से वो टूटने की स्थिति में शायद ही आए। तो आपने देखा कि 16 दिसंबर के प्रोग्राम के लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये स्थल जो है मंडी स्थल कहलाया जाता था, मंडी में जगह न होने के कारण यहाँ पर इस प्रोग्राम को किया जाना है। ये प्रस्तावित प्रोग्राम है, यहाँ पर 16 दिसंबर को सिंधिया जी का आगमन होगा, उसके साथ ही जो करोड़ों रुपए की सौगात वो सौंपने जा रहे हैं इस क्षेत्र के। आपने सुना अभी राठौर जी ने बताया कि किस तरीके की क्या समस्या थी। नमस्कार।